हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नरेशन सीरीज के सिक्स पार्ट में। दोस्तों, इससे पहले हम पांच पार्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसमें हमने सीखा था कि डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई असर्टिव सेंटेंस है तो उसका हमें इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बनाना है। आज इस सिक्स पार्ट में हम सीखेंगे कि अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका इनडायरेक्ट फॉर्म कैसे बना सकते हैं। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं इस टॉपिक को, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। सेम रूल्स यहाँ पे भी अप्लीकेबल होंगे, इसलिए अगर आपने नहीं देखा तो आप लिंक फॉलो करके देख सकते हो। लिंक्स आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ के साथ कॉमेंट बॉक्स में भी मैंने उनको पिन कर दिया है, तो आप जाइए और जल्दी से देखिए उन पार्ट्स को। बाकी सीखेंगे इस टॉपिक को ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ, तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोज नए तरीके से वीडियो के जरिए अंग्रेजी सीखने के लिए हिंदखोट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। देखिए, जब बात आती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तो आपने जनरली दो फॉर्म देखे होंगे, दो तरीके से जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्म होते हैं। एक तो आपका यस और नो वाला क्वेश्चन होता है, जिसमें जवाब या फिर तो यस आएगा या फिर नो, और ऐसे वाले क्वेश्चन जो है इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस जनरली आपका स्टार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब से। फॉर एग्जाम्पल, आर यू डूइंग दिस वर्क, मैं पूछता हूँ आर यू डूइंग दिस वर्क, इसका मीनिंग क्या है, क्या तुम यह काम कर रहे हो, तो जनरली आप यस बोलोगे या फिर तो नो बोलोगे कि हाँ मैं कर रहा हूँ या फिर तो नहीं कर रहा। तो ये जनरली यस और नो वाले क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब आते हैं वो वाले क्वेश्चन, जैसे कब गए थे तुम बाहर, कैसे गए थे तुम बाहर, कब, क्यों, कैसे, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली वाले। तो आपने ये वाला रूप भी देखा होगा इनका, डब्ल्यू एच फैमिली वाले। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी लिख सकते हो, हाउ आर यू डूइंग दिस वर्क, तुम यह काम कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो ये दोनों सेंटेंसेस मैंने आपको लिख दिए। यहाँ पे आपने फॉर्म चेक कर लिया कि इस टाइप से भी सेंटेंसेस पूछे जा सकते हैं इंटरोगेटिव में या फिर इस टाइप से भी, ठीक है। अगर मैं इनको मिटा दूं, अब तो आपको पता चल गया कि डब्ल्यू एच फैमिली वाला ये हेल्पिंग वर्ब से भी क्रिएट किया जा सकता है। अब इसको हमने मिटा दिया, अब हम जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो आप खुद बताइए स्ट्रक्चर क्या है इसका। सबसे पहले ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब आर। हेल्पिंग वर्ब के बाद ये क्या है, सब्जेक्ट लगाया हमने। सब्जेक्ट के बाद क्या है, डू, डू मतलब करना, करना यानी वर्ब, यानी कि वर्ब है ये। अब वर्ब के बाद दिस वर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर आपने ये सब क्यों लिखवाया, इसका लिखवाने का एक पर्पज़ है, तब आपको ये टॉपिक बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, इसलिए मैं ये लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ाने का थोड़ा सा जो तरीका होगा मेरा वो बहुत ज़्यादा यूनिक होगा, ताकि मैं इजी कॉन्सेप्ट बना दूँ आप लोगों के लिए, आपको कुछ भी डिफिकल्ट ना लगे। अब आते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू एच फैमिली का एक मेंबर है, उसके बाद आर क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, यू क्या है आपका सब्जेक्ट, डू क्या है आपका वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कोई चेंज नहीं है, सब कुछ वही है, बस एक डब्ल्यू एच फैमिली आगे जुड़ा था, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बात आती है हमें स्पीच चेंज करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आपको याद है ये वाला सेंटेंस जब मैंने आपको करवाया था, राम सेज टू मी, सेज के साथ ऑब्जेक्ट भी है, देखिएगा यहाँ पे, सेज टू मी आई एम इल, ये याद आया। तो मैंने आपको कहा था कि जब आप चेंज करोगे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर सेज मिल जाए और ऑब्जेक्ट मिल जाए तो से को किस में चेंज किया जाता है, टेल में, सेज को टेल्स में, और सेड को टोल्ड में। तो यहाँ पे तो सेज है, तो हम क्या कह देंगे इनडायरेक्ट फॉर्म में, राम टेल्स, राम टेल्स। लेकिन क्या ये असर्टिव सेंटेंस है, ये जो ये सेंटेंसेस क्या ये असर्टिव है, नहीं, इंटरोगेटिव है। यहाँ पे तो राम बता रहा था कि मैं बीमार हूँ, इसलिए आपने यहाँ पे टेल, टेल्स और टोल्ड के फॉर्म में जो है आप लिखोगे, अगर आपको ये मिलते हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग तरीके से। लेकिन ये तो क्वेश्चन है, यानी कि पूछने का काम होगा, तो जनरली हम ये तो यूज़ नहीं करेंगे। तो आपको क्या यूज़ करना है इंटरोगेटिव वाले पार्ट के लिए, से को आप लिखोगे आस्क, अगर एस या एस जुड़ा है तो आस्क, सैड बोल रहा है यानी कि सेकंड फॉर्म, तो आप भी आस्क्ड कर दीजिए, ठीक है। यानी कि जो आप टेल, टेल्स और टोल्ड के फॉर्म में लिखते थे, अब वो चेंज हो जाएगा आस्क, आस्क्स या फिर आस्क्ड में, वो देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में है, ठीक है।
ये तो चीज़ समझ गए आप। आस्क आपका और आस्क आपका प्रेजेंट फॉर्म है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये पास्ट है। अगर ये प्रेजेंट होता है या फिर फ्यूचर होता है तो अंदर टेंस चेंज नहीं होता है, और ये पास्ट अगर होता है तभी टेंस चेंज होता है। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 3, 4 या 5 में बताया है, आप जाके प्लीज़ देखिएगा उनको, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि यहाँ पे जो है हमारा टेल, टेल्स और टोल्ड हमें भूल जाना है, ये इंटरोगेटिव पार्ट है, यहाँ पे आस्क लगता है या फिर आस्क या फिर आस्क्ड, ठीक है। अब बात आती है कि इन्वर्टेड कोमास को कैसे हटाएं, इन्वर्टेड कोमास को कैसे हटाएं। तो यहाँ पे दो मतलब तरीके हैं, आपको दोनों पता होने चाहिए क्या, कि अगर यस नो वाला क्वेश्चन है, यस नो वाला क्वेश्चन है तब इन्वर्टेड कोमास को कैसे हटाने हैं, और अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाला है तो इन्वर्टेड कोमास को कैसे हटाने हैं। यस नो वाला है तो इन्वर्टेड कोमास को हटा के आप क्या जोड़ दीजिए, इफ़, क्या जोड़ दीजिए, इफ़। अगर डब्ल्यू एच फैमिली वाला क्वेश्चन है तो इन्वर्टेड कोमास को आप हटा दीजिए और कुछ भी नहीं लगाना, आपको कुछ भी नहीं लगाना, ठीक है। इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि यस नो वाला क्वेश्चन है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है क्या। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो इन्वर्टेड कोमास हटा के इफ लगाओगे, अगर नहीं हो रहा, डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना। ये रूल समझ लिया आपने, तो आइए समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, इसी में चेंज कर दें। चलिए लिखते हैं इसी में, राम सेड टू मी, और क्या कहा इसने, ये वाला पूरा इन्वर्टेड कोमास के अंदर डाल दिया, यानी कि राम सेड टू मी आर यू डूइंग दिस वर्क, और ये क्या बन गया मेरा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट से मेरे को किस में चेंज करना है, मेरे को तो इनडायरेक्ट में चेंज करना है, मेरे को तो इनडायरेक्ट चाहिए। तो अब क्या करना है मेरे को, आपको इतना तो पता है कि राम, अब सेड टू को आपको देखना पड़ेगा कि मैं टोल्ड लिखूं कि आस्क्ड लिखूं। तो सिंस ये इंटरोगेटिव वाले पार्ट हैं तो हम आस्क लिखेंगे, असर्टिव होता तो हम टोल्ड लिखते, तो राम आस्क्ड, उसके बाद मी को तो कॉपी कर लीजिए, राम आस्क्ड मी। अब अभी सिखाया था मैंने आपको कि इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमास इंटरोगेटिव वाले पार्ट में आपको चेक करना पड़ता है कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है कि डब्ल्यू एच फैमिली से। अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो आप इफ लगा दीजिए, नहीं होता डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होता तो नहीं लगाते, तो राम आस्क्ड मी इफ। अब बात आती है इसकी, अब इतने को हम कैसे चेंज करेंगे, याद कीजिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे उनका कोई भी स्ट्रक्चर हो, भले ही उन्होंने हेल्पिंग वर्ब लगा रखा हो पहले, लेकिन हम फॉलो करेंगे इसको, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट क्या यूज़ किया है, यू, यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकेंड, सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट कौन है आपका, मी, ठीक है। यू आपका सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, लेकिन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा ये हमें पता लगा है अभी, मी नहीं लिख देंगे हम यहाँ पे। आप यू देखो कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, तो मी तो आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, आई, आई। ये मैंने आपको पार्ट नंबर 4 में आई थिंक पढ़ाया है, आप जाके प्लीज़ देखिए, तभी ये वाली चीज़ जो है समझ आएगी आपको। तो राम आस्क्ड मी इफ़ आई, ठीक है, इतना हो गया, आई सब्जेक्ट आपका निकल गया, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसने बोला था, ऑर्डर दिया था कि भाई सबको पास्ट में कर देना, तो आर आपका किस में चेंज हो जाएगा, वॉज और वर में, लेकिन आई के साथ सिंस वॉज आता है तो हम वॉज लगाएंगे, तो इफ आई वॉज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी खत्म आपका, उसके बाद वर्ब, तो डूइंग, ठीक है, डूइंग डी ओ आई एन जी, उसके बाद वर्ब भी हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो दिस की जगह दिस याद कीजिए, दिस को मैंने आपको चेंज करना सिखाया था पार्ट नंबर 5 में, दिस दैट में चेंज हो जाता है, याद कीजिए। तो इफ आई वॉज डूइंग दैट, उसके बाद वर्क का वर्क, और ये फिनिश्ड, बहुत इजी है, देखिए फिनिश भी हो गया हमारे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करें, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ये है हमारा डब्ल्यू एच फैमिली वाला पार्ट, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, कुछ भी नहीं है, देखिए सेम एग्जांपल ले लेते हैं, चलो राम सेड टू मी और इन्वर्टेड कोमास चालू और ये ऐसे खत्म, इसका ये डायरेक्ट फॉर्म है, इनडायरेक्ट बनाते हैं, आइए कुछ भी नहीं है, राम आस्क्ड, राम आस्क्ड, उसके बाद मी, इतना हो गया। अब ये बताओ आप, इन्वर्टेड कोमास तो हटाएंगे तो इफ लगाएंगे कि नहीं, सिंस ये डब्ल्यू एच फैमिली है इफ का यूज नहीं है यहाँ पे,
तो आप डायरेक्टली इन्वर्टेड कोमास हटाइए, हाउ लगाइए, हाउ कुछ लगाना ही नहीं है, जब इफ दैट कुछ भी नहीं लगाना हमें, तो राम आस्क मी हाउ। उसके बाद आप याद कीजिए, मैंने आपको ये कहा था कि डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद वही वाला सब्जेक्ट पैटर्न, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो आपका हेल्पिंग वर्ब अभी जस्ट ऊपर बताया था कि आपका हेल्पिंग वर्ब क्या बनेगा, आई बनेगा, वही वाला रूल है कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मतलब आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये सब्जेक्टिव केस यानी कि आई बनेगा इसका। तो राम आस्क मी हाउ आई, आई हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगाओगे आप, वॉज। क्यों? क्योंकि इसने ऑर्डर दिया कि आप टेंस चेंज कर दो, आर का वॉज बन गया, इतना फिनिश। डूइंग का डूइंग ही लगाओगे आप वर्ब में, वर्ब में क्या चेंज करोगे। उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट, तो दिस वर्क का दैट वर्क, और ये फिनिश। दिस का दैट क्यों किया, आपको पार्ट नंबर 5 में मिलेगा इसका आंसर, ठीक है, तो जाइए देखिए उसको भी। तो ये भी बन गया हमारा, राम आस्क मी हाउ आई वॉज डूइंग दैट वर्क, बहुत ईजी है। लास्ट में कभी भी इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद क्वेश्चन मार्क मत लगा देना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे कि चेंज करने के बाद भी आप क्वेश्चन मार्क लगा दे, तो अब क्या नीड है, ऑलरेडी यू हैव रॉट दिस सेंटेंस इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, अब कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्वेश्चन थोड़ी ना पूछ रहे हो आप इसमें, अब बता रहे हो किसी को, ठीक है। तो ये बन गया हमारा। एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए देता हूँ, तो प्लीज़ आप अटेम्प्ट कीजिए उसको भी। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका होमवर्क, पढ़ देता हूँ मैं आपके लिए एक बार। सी सेड टू सीमा, विल यू बी गोइंग दिल्ली टुमारो, ठीक है, एक एक चीज़ अच्छे से करना है, मैंने आपको एक एक चीज़ पढ़ाई है, आपको ये देखना है कि सेड टू को मैं किस में रिप्लेस करूँगा, इन्वर्टेड कोमास हटा के इफ़ लगेगा कि दैट लगेगा, विल किस में चेंज होगा, टुमारो किस में चेंज होगा, अच्छे से एक एक चीज़ करनी है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले रिप्लाई देता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करते हुए आगे बढ़िएगा, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो। इसके साथ साथ जो है सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, हिंखोज को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पेज पे, अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो। मेरी तरफ से आपको वहाँ पे डेली क्विजेस मिलेंगे ग्रामर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा इंस्टाग्राम पेज को भी। साथ के साथ आप जो है नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए, सीखिए, बहुत सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। एक जानकारी और, इसको तो अटैम्प्ट कीजिएगा, साथ ही साथ जो है मेरी तरफ से वर्कशीट्स मिलेंगी आपको, ठीक है, जल्दी मैं बताऊंगा कब ऐसा प्लान जो है मेरी तरफ से किया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी ग्रामर की, स्पोकन पार्ट की, बहुत सारा कुछ होगा उसमें, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप लोग। अभी के लिए बस आप इतना करो कि इस बात को शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड विद मी, विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल नाउ थैंक यू।